हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूँ आपका पेपर हैकर चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर का नेक्स्ट चैप्टर, ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ये अलेक्जेंडर पोप का एक ऐसे है जिसका नाम है फ्रॉम ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। उसका पार्ट है ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो उसका हम पहला स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस, अधूरा ज्ञान, लिटिल लर्निंग मीन्स अधूरा ज्ञान, इज ए डेंजरस थिंग, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ड्रिंक डीप, गहरा पियो, माने हमें गहरा ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है। और या फिर टेस्ट नॉट द पियर इन स्प्रिंग, या फिर पियर इन स्प्रिंग की तरह उसका स्वाद उसी तरह उसका स्वाद लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऐसे। ये उतारी गई है किस ऐसे से? ऐसे का नाम है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पॉप, जिसको किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, पोएट जो है, कवि जो है, वो सलाह दे रहा है टू द राइटर्स, लेखकों को, एज वेल एज, और इसी के साथ द क्रिटिक्स, आलोचकों को, रिगार्डिंग, उनका सम्मान करते हुए, द असेसमेंट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, जो साहित्यिक कार्य की आलोचना करते हैं, उनको सलाह दे रहा है कवि। ही इज गिविंग वार्निंग, वह चेतावनी दे रहा है दैट की थ्रू लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी वर्क। थ्रू लर्निंग, शिक्षा के द्वारा, सीख के द्वारा ही इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर द एनालिसिस, विश्लेषण करना, ऑफ एनी वर्क। मतलब जब तक हमें पूर्ण रूप से किसी भी चीज का ज्ञान ना हो, हमें उस किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। क्रिटिक्स शुड नॉट मेक हेस्ट इन द असेसमेंट, आलोचकों को पूरी जानकारी के बिना आलोचना नहीं करनी चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन द अबोव लाइन्स, ऊपर की लाइनों में, द पोएट इज पुटिंग हिज व्यूज, पोएट जो है अपना दृष्टिकोण रख रहा है रिगार्डिंग द डीप एंड शैलो लर्निंग। इसके बीच डीप लर्निंग, गहरा ज्ञान, और शैलो लर्निंग, उथरा ज्ञान के ऊपर। ही सेज, वह कहता है दैट शैलो, उथलापन, और लिटिल, और कम लर्निंग, उथली शिक्षा या फिर कम ज्ञान जो है, मेक्स ए पर्सन मैड, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को मैड कर देता है, पागल बना देता है, और इंटॉक्सिएटेड, इंटॉक्सिएटेड मतलब मदहोश कर देता है, विद प्राइड, गर्व से,
भय घमंड में इतना चूर हो जाता है अधूरे ज्ञान में कि वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझता। हैंस इसलिए ही इज अगेंस्ट, वह विरोध में है द लिटिल लर्निंग, अधूरे ज्ञान के विरोध में। ही इज ऑफ द व्यू, उसका मानना है कि वन शुड ट्राई टू अटेन डीप लर्निंग, प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, अटेन लेना चाहिए डीप लर्निंग, गहरी शिक्षा या अधिक ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। इट इज डीप लर्निंग, यह गहरा ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान ही होता है ओनली जो कि विच गिव्स मैच्योरिटी, जो परिपक्वता लाता है, मैच्योर बनाता है हमें टू द थॉट्स, हमारे विचारों के प्रति, एंड द पर्सन एज ए राइटर, और जो पर्सन एज ए राइटर जो लेखक के रूप में होता है, एंड क्रिटिक्स और आलोचक एबल टू जज एनी लिटरेरी वर्क, और इसी से जो आलोचक होते हैं वो किसी भी प्रकार की किसी भी साहित्यिक कार्य की आलोचना कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसका न्याय कर सकते हैं। विथ सोवर एंड ग्रेव थॉट्स, अधिक और उच्च विचारों के साथ। इन कंपैरिजन टू डीप लर्निंग, गहरे ज्ञान की तुलना में लिटिल लर्निंग डैमेजेस मोर, जो छोटा ज्ञान होता है, कम अधूरा ज्ञान होता है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एंड हेंस इसीलिए इट इज नॉट गुड फॉर ए पर्सन, इसीलिए यह किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हमने पहला स्टैंजा कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी ऐसे का इसी चैप्टर का लेके आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।